So guys, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग है ना एक बार यहाँ पे मॉर्निंग में आएंगे और आपको यहाँ का हम लोग है ना पूरी चौपाटी का ना मॉर्निंग का व्यू दिखाएंगे, बल्कि सुबह सुबह का व्यू यहाँ का बहुत अमेजिंग होता है। बल्कि मैं यहाँ की रहती थी ना, मैं पहले अजमेर में रहती थी, तो इस वजह से अभी भी फिलहाल रहती हूँ, बट आना नहीं हो पाता मॉर्निंग के अंदर, बल्कि 11 बजे तो मैं उठती हूँ। गाइस रात हो चुकी है ना, तो इस वजह से हम लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, बल्कि आगे पुलिस वाले राकेश भैया कह रहे हैं, तो वीर ने हेलमेट लगा लिया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं अजमेर, रील्स वगैरह शूट करनी है, बहुत टाइम हो गया रील्स वगैरह डाल नहीं रहते, रूम की टेंशन थी, लोगों ने दिमाग वगैरह खराब कर रखा था बहुत ज्यादा। और ये देखो अपने ट्राई शॉप दिखा रहा है यहाँ पे, क्या क्या कौन से बाई शेप, इसको बाई शेप कहते हैं, देखो ये भी रेडी है और भैया भी रेडी है, हमारी मैडम भी रेडी है, दूसरी मैडम भी रेडी है, और यहाँ से निकलना है और चलते पुष्कर की तरफ, आपको पुष्कर के अंदर मिला। सॉरी अजमेर जाना भूल गई, मेरे को क्या बोलना था, बल्कि टेंशन थी, अभी जाके थोड़ा टेंशन फ्री हुए हम लोग। जो भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे, मिलते हैं आगे अजमेर। हमारी गाड़ी भी घूम चुकी है और मैंने भी हेलमेट लगा लिया है, बल्कि मुझे भी सेफ्टी जरूरी है। मुझे कह रहा है कि तुझे ब्लॉग बनाना चाहिए था बीच में ना, तो गाय लड़ रही थी, उनका क्या ब्लॉग बनाती मैं नहीं तो। और गाय देखिए जो मैं ना हेलमेट लगा रखा, सब देखते ही सुनते मुझे, यार पीछे वाले ने हेलमेट लगा रखा, आगे वाले ने ये लगा रखा है, बट उनको ये पता कहता ना, लोग आगे जाके चेंज करते, बल्कि आगे फूफा भी मिल जाते ना कभी कभी, मेरे साथ बना लेंगे हम दोनों वीरों में, बट मुझे अकेले की लिपस्टिक वगैरह बनानी होती ना, ये लोग मुझे बनाने नहीं देते, अंधेरा हो जाता तो फिर आईफोन में शूट नहीं कर पाते ना हम, इसलिए। फिलहाल अभी हम लोग है ना अजमेर की तरफ टर्न हो चुके हैं और अभी फिलहाल घाटी कर रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हो हमारी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, कमेंट में बताना हो कौन सी रफ्तार थी। फिलहाल हम लोग चौपाटी पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे से मेरा मास्क मांग रहा है, हेलमेट तो मेरा ले लिया चोर ने, तो कैसे जा रहा है आगे, मतलब परवाह ही नहीं है इसको तो गर्लफ्रेंड की, जा रहा है पूछा तक नहीं मेरे को, के बोल भी नहीं रहा है, देख कैसे डरावना लगता है मास्क में, ये गाड़ी चलाता जब इसको लोग देखते हैं, हम दोनों को लोग देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, हम अजीब लगते हैं इसलिए या हम अपनी सेफ्टी लेके घूमते हैं इसलिए, भाई हम तो हमारी सेफ्टी पहले रखते हैं, लोगों को कोई भरोसा नहीं कब कट मार के निकल जाए, और जो कट मारते ना उनको बाबा साहब एक दूसरे दिन ही कट मार देते हैं उनकी भी। पता नहीं थी आप लोगों को, बल्कि चौपाटी है ना मतलब ज़्यादा नहीं, 20-21 तारीख को ना मैं आपको चौपाटी का व्यू दिखाऊंगी, इतना प्यारा हो चुका है, बल्कि ना पूरी चौपाटी पर लाइटिंग होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो चौपाटी ना वो पूरी गोल सर्कल बन चुकी है, मतलब अपन कहीं पे भी घूमे लेकिन पूरा गोल घूम जाएंगे, एक दिन हम लोग करेंगे चैलेंज इस चीज़ को लेकर, हम पूरा गोल घूमेंगे आप लोगों को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नई साल आ रही है और बाबा जी का आशीर्वाद है इसके ऊपर, तो मतलब इसके ऊपर तो परमानेंटली रहना चाहिए, इसकी लाइफ में बहुत दोगले लोग हैं, इतने दोगले लोग हैं कि उन लोगों को जितना अपन बुरा बोले अपनी ज़बान उतनी ख़राब होती है। सो इसने मुझे कहा है कि अपन को किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, जो भी है बाबा देख लेंगे, बाबा शाम करते रहिए, बल्कि अपन बुरे नहीं है, अपन ने उसके साथ बुरा नहीं किया है, तो अपन को करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, अपन को बुरा बोलने की ज़रूरत है वो बन। और गाइस एक चीज़ बता दूँ, मैं ना मतलब मैंने मेरे फ्रेंड से जो सुनार था ना उससे बात करी, मैंने बाबा की तस्वीर बनवाई चांदी की तस्वीर, अभी बोला है मैंने उसको बनाने के लिए, बट बाबा को चांदी की तस्वीर जब लेकर आएंगे जब अपना खुद का घर होगा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मतलब घर वालों से भी बात करी मैंने। हाँ, तो और बहुत जल्दी आप लोगों को हम लोग एक सरप्राइज भी देने वाले हैं, वो सरप्राइज हम दोनों के लिए बहुत। नहीं सरप्राइज तो क्या, आपको घर बनवाएंगे सबको पता रहेगा, तो घर का काम स्टार्ट कर दूंगा। अरे मतलब एकदम से बताने वाली थी, देखा ये पहले मेरे सरप्राइज खराब कर देता है यार, ये ऐसा है क्योंकि मतलब घर पे बात हो गई थी मेरी और बस 3-4 महीने और वेट कर लेता हूँ, फिर मैं मतलब अपना खुद का स्टूडियो बनाऊंगा बहुत बड़ा, जिसके अंदर अपनी KTM खड़ी हो सके और भी गाड़ियाँ लेंगे बाद में अधिकतर, वो भी खड़ी हो सके सारी चीज़ें, और हम अच्छे से रह सके, मतलब मैं नहीं रहूँगा, सोनिया रहेगी वहाँ पे, और मैं मेरे भैया की फैक्ट्री रहूँगा क्या, मतलब वो जब तक शादी नहीं करेंगे ना हम, जब तक मैं सोनिया के साथ नहीं रहूँगा वहाँ पर, सोनिया अकेली रहेगी, बाकी शूट बाकी व्लॉग वगैरह बनाना है हमको तो हम चल जाएंगे, बाकी प्रैंक वगैरह तो आप एक दूसरे के ऊपर करते ही रहते हैं, कभी इसके ऊपर हो जाता है कभी मेरे ऊपर हो जाता है। तो गाइस फिलहाल सोनिया मतलब रील्स वगैरह बना रही है और टिंगो मिंगो बहुत सारी जोड़ी आ गई है देखो। और ये सोनिया है इधर, पूरी कल्चर पार्टी आ गई है,
सो गाइस फिलहाल ये रील्स वगैरह बनाएगी और आप क्या करोगे? मैं यहाँ पर बैठे बैठे फोन चलाऊंगा, थोड़ा फोन चलाएगा, ये नहीं व्लॉग बना लूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर लूँ। दिवाली आ रही है, दिवाली का बम्पर ऑफर दो अपनी ऑडियंस को। अजमेर के हैं वो चौपाटी जरूर आना, हम लोग दिवाली वाले दिन आप लोगों को चौपाटी जरूर। नहीं दिवाली दिवाली यहाँ क्यों रहेंगे? घूमने नहीं आएंगे? मेरे घर पे फटाके फोड़ूंगा मैं दीपावली, घर पे छत पे जाके। अरे राम राम नहीं करेंगे क्या ऑडियंस से? कनकनो पार्टी पे बैठे बैठे बोर हो चुके हम लोग, घूम रहे हैं इधर उधर और मन नहीं लग रहा आज हमारा दोनों का, बल्कि इसका भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा अपसेट सा दिख रहा है। गाड़ी पे तो सही था, अब थोड़ा अपसेट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मूड सही हो जाएगा। और अभी फिलहाल चौपाटी पे लाइटिंग वगैरह लग रही है, लग जाएगी थोड़े दिनों में, पूरी चौपाटी पे यही वो है, देखते कब लगेगी, जब जलेगी जब आपको दिखाऊंगी यहाँ की मैं। सो गाइस अभी हमारा शूट वगैरह तो हो नहीं पाया, बल्कि हमें रील्स वगैरह बनानी थी तो वो हम बना नहीं पाए, कोई बात नहीं, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे फिरे, बात बात करी है और अभी चलते हैं फिलहाल घर की तरफ, बल्कि मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो अभी रूम वगैरह भी शिफ्ट करना है थोड़ा, उसके बाद में खाना वाना होगा, रात को वही 12-1 बज जाएगी हम लोगों को खाना वाना। और ये भैया है, अभी इनके ऊपर मैंने गुस्सा कर दिया था, इन्होंने मेरी रील्स से मने, आपको बुरा लगा क्या? इधर इधर बुरा लगा गाइस, ऐसा हुआ था, हम बैठे थे तो भैया ने मेरी रील्स वगैरह नहीं बनाई, तो मैंने भैया पे भड़क गई भयंकर वाला, भैया को गुस्सा में चिल्ला दिया मैंने, कहा सब मतलब के लिए आते हैं, दर्द हो रही है, मैंने चुरा नहीं गोपा बस, तो मैं भैया से सॉरी बोलती हूँ ना, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने बोल दिया, मेरा वैसा कोई वो हर्ट करने का आपको मतलब नहीं था, ठीक है चलो माफ किया। अरे राम अभी ये जिम विम निकलेंगे तुम आज वापिस, हम लोग शायद जाओगी क्या कहीं पे? तो गाइस देखते हैं अभी क्या, रूम शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ मैं दूसरी जगह, और ज्यादा नहीं 3-4 महीने के लिए, फिर वैसे ही मैं खुद अपना बनाने वाला हूँ, और फिर तुम्हारे भाई की एक ही लोकेशन फिक्स हो जाएगी मेरे घर की तरफ, और कभी लोकेशन दूंगा आप लोगों को मिलने के लिए तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, क्योंकि अभी मेरा कोई मतलब फिक्स नहीं है कहीं रहना रहना कहीं भी, मतलब क्योंकि रेंट पे रहता हूँ आप लोगों को पता ही है, और अब तुम्हारे भाई की एक फिक्स जगह हो जाएगी जिस दिन घर बनेगा ना, ऐसा नहीं है अपडेट नहीं दूंगा, जब जिस दिन काम स्टार्ट कराऊंगा ना उस दिन सारी अपडेट वगैरह देता रहूंगा आपको घर की, और जैसे जैसे बनता रहेगा ब्लॉग डालता रहूंगा, जाके भी आऊंगा मैं खुद वहाँ पे भी, तो थोड़ा पैसों वैसों की दिक्कत हो रही है तो हो जाए पैसे कितने, तो थोड़े बहुत ही चाहिए, ज़्यादा नहीं है, हो गए वैसे मेरे पास है इतने तो, और आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एक अच्छे। और तुम्हारे भाई ने क्या सोचा पता, घर के साथ पूरा वाइट हाउस, पूरा वाइट, और मतलब मैंने सोच रखा पूरा जो बनवाऊंगा ना वाइट ही बनवाऊंगा, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 बड़ा कर देंगे अपने घर को, एक दिन होटल बना देंगे उसको। और हम ना यहाँ पे जब भी घूमने आते थे ना तो पता लाइटिंग ऑन नहीं होती थी, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो लाइटिंग है और सामने जो लाइटिंग वगैरह होती है ना, हम लोग आते थे तब नहीं होती थी, तो इस अब दिवाली आ गई ना तो इस वजह से चालू हो गई, अब हम यहाँ पे रात को भी आया करेंगे कभी कभी व्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अभी हम लोग, बल्कि ऑटो वगैरह भी बुलाना है, सामान वामान पैक करना है, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत व्लॉग आपको वहाँ का भी बताएंगे हम लोग, बट लोकेशन नहीं दिखाएंगे हम लोग, लोकेशन हमारी प्राइवेट रखेंगे अपन। So guys, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग है ना एक बार यहाँ पे मॉर्निंग में आएंगे और आपको यहाँ का हम लोग है ना पूरी चौपाटी का ना मॉर्निंग का व्यू दिखाएंगे, बल्कि सुबह सुबह का व्यू यहाँ का बहुत अमेजिंग होता है, बल्कि मैं यहाँ की रहती थी ना, मैं पहले अजमेर में रहती थी तो इस वजह से अभी भी फिलहाल रहती हूँ, बट आना नहीं हो पाता मॉर्निंग के अंदर, बल्कि 11 बजे तो मैं उठती हूँ। हमारी खेकड़ी है गाड़ी, वो हमारी और ये राकेश भैया की, और वीर अभी गाड़ी निकालेगा यहाँ से। गाइस भैया ने एक न्यू टैटू लॉन्च किया है, ये देखा आपने, इंसान पागल कितना है प्यार में, इसने गाड़ी पे भी लिखवा लिया बुग्गू, हु इज दिस बुग्गू, बुग्गू का कोई रियल नाम होगा, मैं उसका नाम नहीं लेता। ओह माय गॉड, ये कौन सा प्यार है, प्राइवेट वाला। गाइस रात हो चुकी है ना तो इस वजह से हम लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, बल्कि आगे पुलिस वाले राकेश भैया कह रहे हैं, तो वीर ने हेलमेट लगा लिया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये गाड़ी चला रहा बहुत तेज चला रहा है ये गाड़ी, और सामने हमारी मंजिल है, आपको जाना है उधर। गाइस फिलहाल हम लोग घाटी चढ़ रहे हैं पुष्कर की तरफ, और वीर अभी गाड़ी चला रहा है और आगे राकेश भैया चल रहे हैं। तो भाई जरा अपनी गाड़ी की बैटरी लो हो चुकी है और इसमें दिखा दिया, अब गाड़ी की बैटरी वगैरह चेंज करवानी पड़ेगी, आई थिंक इसको चार्ज करवाना पड़ेगा,
नहीं तो अभी अभी क्या सर्दी का टाइम है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है हम दोनों को सोनिया को। तो गाड़ी एनी टाइम काम में आती रहती है तुम्हारे भाई की, तो उसकी बैटरी वगैरह चेक करवाएंगे, अगर देखते नहीं लगवाते हैं इसी को चार्ज करवा लेंगे। नहीं तो गाइस हम लोग पुष्कर पहुंच चुके हैं और थोड़ी सी देर में हम लोग होम पे पहुंचने वाले हैं और जाते हैं मुझे सामान वगैरह सब कुछ पैक करना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और वीर जा रहा है ऑटो वाले भैया को लेने के लिए और मैं अंदर जाके पैकिंग वगैरह करती हूँ। जब तक फाइनली यार मैं वर्कआउट करके फ्री हो चुका हूँ और बस एक सेट और बाकी बचा मेरा बस ट्राइशिप का, और रूम भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और मतलब टाइम नहीं मिला इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं बना पाया मैं। फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ से वर्कआउट करके और फिर अंडे वगैरह खाने, और सोनिया ने अभी तक खाना भी नहीं खाया सुबह से, और फिलहाल देखते सब्जी वगैरह क्या। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. So guys, finally workout करके video हो चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं। Guys अभी जहाँ पे अंडे खाने जाना है मुझे, तो वहाँ पे देखते हैं वो शॉप बंद नहीं हो गई, तो उससे पहले जाके देखते हैं अगर बॉयल मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि सुबह से कोई डाइट वगैरह भी नहीं खाई मैंने और सोनिया ने भी खाना नहीं खाया, तो देखते हैं अभी सब्जी वगैरह क्या लेके जाते हैं, और दूध वगैरह तो लेके जाना है जो जाना ही है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस फिलहाल जिम से बाहर आ चुके हैं और अभी देखना है अंडे की शॉप बंद नहीं हो गई, जल्दी से जाना पड़ेगा मुझे, और इसको भी छोड़ना है विकास को घर पर। फाइनली सोनिया यहाँ पे है और इसी को पूछ लो अभी तक, अभी क्या टाइम हुआ, साढ़े दस हो चुकी है और इसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि मैं अभी जिम गया आप लोगों को पता था, और वो अंडे भी खा कर गया गाइस। जाना ऐसा है कि ना खुद का पेट भर जाएगा, लेकिन बाबू मैं ना सच में देख मेरी बात सुनी था मैं ना गाइस, ऐसी ऐसा हुआ था कि है ना देखो अभी है ना दुकान सारी बंद हुई सब्जियाँ की सब्जी, फिर मेरा दोस्त था वो घर पर ले जाता था अपने घर पर पालक और गोभी, फिर उसने मेरे को दे दिया बोला सम्राट भी आप ले जाओ यार आप खाओ बना के, तो उसने मुझे दे दिया और फिर मैं गया था मतलब दूध लेने, दूध की दुकान भी बंद होने वाली थी, फिर दूध लेने गया था और फिर अंडे खाने गया था, फिर अभी जस्ट आया हूँ अभी ये खाना बनाएगी और अभी 10:30 हो रही है और सोऊंगी 11 बजे। सो देखते गाइस आई होप कि ये व्लॉग आज का आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।